तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो आपने यहाँ पर होल्डिंग्स ली हुई है, जो आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट के अंदर यहाँ पर है, उससे हम लोग यहाँ पर किस तरीके से मंथली इनकम अर्न कर सकते हैं, उसको आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पर। कई बार हम लोग इन्वेस्टर से बात करते हैं तो उनकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स वो लगभग 10-10, 15-15 सालों तक स्टॉक्स को यहाँ पर होल्ड करते हैं। तो ऐसे में कई सारी क्वांटिटी को वो यहाँ पर होल्ड करते हैं, बट वो कई बार कितनी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर मिस करते हैं, वो इस वीडियो के अंदर आज हम लोगों को मालूम पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम लोग सपोज करते हैं कि आपके डीमैट अकाउंट के अंदर यहाँ पर 250 शेयर्स हैं TCS के। 250 शेयर्स आपके पास यहाँ पर डीमैट अकाउंट के अंदर आपने यहाँ पर परचेस किए हुए हैं। ये लॉन्ग टर्म के अंदर भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर भी हो सकते हैं। इसकी जो बाइंग प्राइस आ रही है आपकी, वो यहाँ पर आ रही है 2200 रुपये। और अगर हम लोग आज की करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो वो चल रहा है यहाँ पर 2300 रुपये। तो जो भी स्टॉक हम लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं वो या तो प्लस चलेगा या नेगेटिव चलेगा, राइट? तो अभी हम लोग जो एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो भी प्लस चल रहा है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है वो 2300 रुपये चल रही है, ये अभी हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। और आपने यहाँ पर यह देखा है कि जो ये मूवमेंट है 2200 रुपये से स्टॉक 2300 रुपये हो गया कुछ ही दिनों के अंदर। ये मूवमेंट आपने यहाँ पर देखा हुआ है कि स्टॉक यहाँ पर 10-15% के आसपास तेजी दिखा चुका है, अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर ये दिखा चुका है। तो ऐसे में आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर आप OTM कॉल के अंदर राइटिंग करके हम लोग यहाँ पर कॉल की प्रीमियम को रिसीव कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर चल रहा है 2320 रुपये का। देखिए यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस है हमारी, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को स्ट्राइक देखने को मिलती है, इसकी प्रीमियम यहाँ पर लिखी होती है हमारे पास। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि आउट द मनी ऑप्शंस का आप यहाँ पर OTM ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। तो उसमें आपको यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रीमियम है ऑप्शन की वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें TCS का जो लॉट साइज है वो 250 का है, तो ऐसे में अगर यहाँ पर प्रीमियम 52 रुपीज चल रही है तो यहाँ पर आपने 13000 रुपये रिसीव कर लिए। तो हमारी कंडीशन ये बन रही थी कि हम लोगों ने रिसेंटली एक मूवमेंट देखा यहाँ पर स्टॉक के अंदर, और अभी हम लोगों को ये लग रहा है कि स्टॉक जो है वो यहाँ पर 2320 रुपये से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएगा, या 2350 से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पर करेक्ट होगा तो उसमें एक महीना लग जाएगा, ये हमारी कंडीशन आ रही है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम लोग यहाँ पर स्टॉक्स का प्रॉफिट बुक करें और यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम लोग बुक करें, इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर कॉल के अंदर राइटिंग करके हम लोग यहाँ पर कॉल की प्रीमियम को रिसीव कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी को हम लोग यहां पर बोलते हैं कवर्ड कॉल, जहां पर हम लोग एक OTM कॉल को यहां पर सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट में हमारे पास यहां पर इक्विटी खड़ी रहती है। तो ये तो अभी हम लोगों ने ये देखा है कि कवर्ड कॉल को हम लोग किस कंडीशन के अंदर यूज कर रहे हैं परफेक्टली। तो यहां पर आप उन स्टॉक्स के अंदर भी कवर्ड कॉल ले सकते हैं जो स्टॉक आपके यहां पर नेगेटिव चल रहे हैं, बट उसके लिए आपको यहां पर कुछ चीजों को समझना जरूरी है। तो पहले हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं, इसके पे ऑफ को समझते हैं, उसके बाद हम लोगों को पता लग पाएगा कि हम लोग नेगेटिव जो हमारे स्टॉक्स चल रहे हैं उसके साथ में हम लोग किस तरीके से कवर्ड कॉल को ले सकते हैं। तो कवर्ड कॉल के अंदर बेसिकली क्या रिक्वायर्ड हम लोगों को लग रहा है कि आपके पास यहाँ पर इक्विटी होना चाहिए और हम लोग यहाँ पर OTM स्ट्राइक के कॉल को सेल कर रहे हैं। बट इसका परफेक्ट जहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जब स्टॉक यहाँ पर रिसेंटली आपको अपसाइड के मूवमेंट दिखा चुका है और करेक्ट होने वाला है तो वहां पर हम लोग कवर्ड कॉल ले सकते हैं। ये तो इसका परफेक्ट यहां पर यूसेज हो गया, बट अभी हम लोग इसको अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे अभी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप किसी भी स्टॉक को बाय करके चलते हैं अगर कैश के अंदर, तो उसका पे ऑफ हम लोगों को किस तरीके का देखने को मिलता है। यहां पर नीचे की तरफ में अगर स्टॉक यहां पर आपने परचेस किया है और नीचे की तरफ में स्टॉक यहां पर जाता जाएगा तो आपको यहां पर अनलिमिटेड लॉस होता जाएगा, यानी कि आप अनलिमिटेड रिस्क लेकर यहां पर स्टॉक को बाय कर रहे हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म के अंदर उसको बाय किया है, प्रोवाइडेड कि आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस को यहाँ पर नहीं लगाया है। और ऊपर की तरफ में आपने लेवल ओपन किए हुए तो आप अनलिमिटेड प्रॉफिट यहाँ पर कमा सकते हैं, जितना स्टॉक ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होते जाएंगे। ये अभी हम लोग को पे ऑफ समझ में आता है अगर हम लोग कैश के अंदर किसी स्टॉक को यहाँ पर बाई करते हैं। तो चूंकि अभी हम लोग यहाँ पर कवर्ड कॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कवर्ड कॉल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, OTM कॉल को यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, OTM कॉल को हम लोग यहाँ पर शॉर्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर OTM कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ में कॉल के अंदर हम लोगों को अनलिमिटेड रिस्क खड़ी हो जाएगी, जबकि हम लोग यहां पर स्टॉक के अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा रहे, तो ये हमारा हेज हो जाएगा। तो हमारा जो पे ऑफ होगा वो किस तरीके से दिखेगा, तो आपको यहां पर ऊपर की तरफ में अब लिमिटेड प्रॉफिट्स हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका यहां पर कैश अनलिमिटेड प्रॉफिट कर रहा था वहीं आपका जो कॉल आपने यहां पर शॉर्ट किया है वो अनलिमिटेड लॉस कर रहा था। तो उससे हुआ ये कि आपको यहां पर एक लिमिटेड प्रॉफिट हो गया।
तो आप में से कई सारे लोगों का यह सोचना होगा, जब हम लोगों को यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल रहा था तो हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को लिमिट क्यों कर दिया यहाँ पर, ये जरा सा एक्सप्लेन करो। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पर 2200 रुपये की प्राइस पे टीसीएस को बाई किया हुआ है, और अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है टीसीएस की वो चल रही है 2300 रुपये, राइट। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर 10-15% का मूवमेंट अपसाइड में देखा था जो कि रिसेंटली हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर स्टॉक कुछ करेक्ट कर सकता है, कुछ करेक्शन स्टॉक के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो फिर से स्टॉक की जो प्राइस है वो यहाँ पर 2260 रुपये के आसपास आ सकती है, ये हमारा यहाँ पर व्यू आ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कवर्ड कॉल की पोजीशन को यहाँ पर लिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट को लिमिटेड नहीं करेंगे तो वैसे भी स्टॉक जो है वो अगर नीचे आएगा तो हम लोगों को प्रॉफिट्स में कमी देखने को मिलेगी, और बेटर है कि हम लोग यहाँ पर कॉल को शॉर्ट कर प्रीमियम रिसीव कर लें, राइट। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा और समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, एक्सेल शीट के अंदर चलते हैं और वहाँ पर हम लोगों को पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सपायरी के दिन अगर हम लोग कवर्ड कॉल लेते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक प्राइस के ऊपर हम लोगों ने अपने पीएनएल को देखने के लिए यहाँ पर ये एक्सेल शीट बनाई है। तो यहाँ पर ये स्टॉक प्राइस देखने को मिल रही है, अभी हम लोग ये देख के चलते हैं कि एक्सपायरी के दिन कोई भी प्राइस यहाँ पर हो सकती है, तो उस दिन हमारा क्या पीएनएल होगा उसको अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने जो स्टॉक को परचेस किया वो 2200 रुपए की प्राइस पे किया है, और जो स्ट्राइक है 2320 रुपए का उसके कॉल को हम लोगों ने यहां पर सेल किया है, उससे हम लोगों ने 52 रुपीस रिसीव कर लिए। तो जब भी हम लोग कॉल को यहां पर सेल करते हैं तो ऊपर की तरफ में हम लोगों को अनलिमिटेड लॉस होता है और नीचे की तरफ में हम लोगों को लिमिटेड प्रॉफिट होता है, तो यहां पर 52 रुपीस का लिमिटेड प्रॉफिट होता जाएगा स्टॉक जितना नीचे जाएगा, और स्टॉक जितना ऊपर जाएगा मुझे यहां पर अनलिमिटेड लॉस होता जा रहा है। और यहां पर आपको इक्विटी का पे ऑफ देखने को मिल रहा है, तो इक्विटी का पे ऑफ तो हम लोगों को बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि स्टॉक जितना नीचे जाएगा उतने पॉइंट का मुझे यहाँ पर नुकसान होने वाला है, और जितना ऊपर जा रहा है उतना मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर एक्सपायरी के दिन यहाँ पर अगर जो हमारा टीसीएस है वो यहाँ पर ये क्लोजिंग देता है कि वो 2320 रुपये के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देता है एक्सपायरी के दिन, तो अगर मैं यहाँ पर कॉल को शॉर्ट नहीं करता तो मैं यहाँ पर 120 रुपये का प्रॉफिट करने वाला था, बट यहाँ पर मैंने जैसे ही कॉल को शॉर्ट किया तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट 172 रुपीस का हो गया। वहीं अगर मैं नीचे की तरफ में देखूं तो मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल गया, जहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 2160 पे अगर टीसीएस क्लोजिंग देता तो मुझे यहाँ पर 40 रुपीस का नुकसान होने वाला था, वहीं अभी भी मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ यहाँ पर 12 रुपये पे। तो कॉल को मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है तो मुझे यहाँ पर लिमिटेड प्रॉफिट तो ज़रूर हुए, अनलिमिटेड की जगह मुझे यहाँ पर लिमिटेड प्रॉफिट तो ज़रूर हुए, बट यहाँ पर मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए, क्योंकि हमारा जो व्यू यहाँ पर ये था कि स्टॉक जो है वो कुछ दिनों से एक अच्छी तेज़ी उसने यहाँ पर दिखाई है, तो ऐसे में यहाँ पर वो करेक्ट करेगा, ये हमारा व्यू था, तभी हम लोगों ने यहां पर कवर्ड कॉल को प्ले किया था, राइट। ये चीज को हम लोगों को समझना यहां पर जरूरी है। तो फ्रेंड्स यहां पर अभी हम लोगों ने जो ओटीएम को सेल किया था वो बिल्कुल नियर ओटीएम को हम लोगों ने यहां पर सेल किया 2320 रुपए का, क्योंकि यहां पर 2300 रुपए की हमारा जो है वो एट द मनी वाला हो गया, तो 2320 रुपए ये हमारा नियर ओटीएम हो गया। तो अगर आपकी इक्विटी यहां पर काफी नुकसान के अंदर चल रही है, आप यहां पर 10-12% का यहां पर इक्विटी के अंदर लॉस लेकर बैठे हैं, तो आप यहां पर फार ओटीएम को सेल कर सकते हैं, आपकी बाइंग वैल्यू के बाद का जो ओटीएम आ रहा है आप उसको सेल कर यहां पर प्रीमियम ले सकते हैं, ये चीज आपको यहां पर क्लियर रखना पड़ेगी। तो इसमें आपको ये चीज नहीं करना है कि हम लोगों ने यहां पर एक्सप्लेन किया कि हम लोगों ने नियर ओटीएम को यहां पर सेल किया, अपने अकॉर्डिंग यहां पर आपकी इक्विटी कितनी प्लस में कितनी माइनस में है, आपका व्यू यहां पर क्या जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर स्ट्राइक को चूज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि जो कवर्ड कॉल का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉल को शॉर्ट करके प्रीमियम यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं, ओटीएम कॉल को हम लोग यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग एट द मनी को भी यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से नीचे जा सकता है, एकदम से शार्प यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, तो हम लोग वहाँ पर एटीएम कॉल को भी यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, वो अप टू यू होगा किस तरीके का व्यू आपका यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।